आज की इस वीडियो में खासकर हम डिस्कस करने वाले हैं किसी भी होलर मशीन को हैंड फ्री किस तरह से बना सकते हैं, यानी कि ऑटोमेटिक। ये वीडियो थोड़ा सा जल्दबाजी में बना रहा हूँ, फिर भी आप लोग पूरा वॉच कर लीजिए। आइडिया सही लगे तो आप लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वरना आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वाला वीडियो में पूरा क्लियर करेंगे। मैं हूँ प्रकाश, और आप सभी को अपने चैनल प्रकाश के टीवी में स्वागत है। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग को मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं, ये होलर मशीन है, ये दास स्टील डीजल इंजन है। तो बेसिकली हम आज बात करेंगे इस वीडियो में आप लोग को कि ऑटोमेटिक किस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। उसका प्रोसेस इस वीडियो में बताया जाएगा, आप लोग देख लीजिए। इधर से चावल का जो प्रोडक्शन होता है, एग्जिट होता है इधर से, ठीक है। और ये तो आपका होपर हो गया, डाला जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये दास स्पीड डीजल इंजन, और ये होलर की जहाँ तक बात है, ये 8 नंबर होलर है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सबसे मतलब काम की बात तो यहाँ पर है, जैसे यहाँ से लोड दिया जाता है, और है ना, यहाँ से लोड दिया जाता है अपने जरूरत के हिसाब से। और यहाँ से यहाँ पर प्रोडक्शन यहाँ पर होता है, चावल का एग्जिट होता है, यानी कि चावल बन करके इधर से निकलता है। तो उसी चीज को किस तरह से ऑटोमेटिक बनाएंगे उसके बारे में यहाँ पर आपको देख लीजिए। यहाँ पर मशीन का ओनर है, मालिक है, तो ये चीज बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पर सेटिंग किया जाता है। सबसे पहले तो अपना परिचय दे दीजिए सर। हेलो दोस्तों, मैं संतेल पुर्ती ग्राम बुरुतुंडा से आता हूँ, और ये सोलर जो मैं 2016 को मैं लगाया हूँ, और अभी तक इसका अच्छा से ही चल रहा है। तो आप जो बोल रहे थे कि इसका जो चावल किस तरीके से, मैंने बिना हैंड से, मैंने हाँ, बिना हैंड कंट्रोल किए मतलब, और इधर अपने आप चावल निकलेगा, उसका सिस्टम मैं बता देता हूँ। जैसे आप ऊपर में धान डाल दिए, तो यहाँ से फिर चावल जो ओपन करने के लिए यहाँ से काम बेसी करना होगा। बिल्कुल जी। उसके बाद यहाँ आप इसको नॉट टाइट कर दिए, मैंने यहाँ कंट्रोल हो गया है। अच्छा अच्छा फिर यहाँ जो रबड़ लगा हुआ है, और ये रबड़ जो जो मिलता है सिस्टम, मैंने वहाँ का बेल्ट का ही रबड़ अच्छा, कटा अच्छा, हुआ रबड़ ये वाला जी, है ना जी, वही का। अच्छा अच्छा तो ये वाला रबड़ यहाँ से हम लोग काट के इसी में लगा दिए हैं। अच्छा, ये कंपनी तो इस तरह का बना के नहीं देती है? नहीं दिया है हमने, अपने अपना ही दिमाग से। अच्छा अच्छा। तो पहले से भी जो दिया था तो पतला वाला दिया हाँ, था पतला इसमें, वाला और इसमें है। बहुत कोई इसमें इस तरह हाँ, से दबा के रखते हैं, अंगुली तो फंसा करके वहां पर हाँ, कंट्रोल किया जाता है ना। तो उसमें क्या होता है कि मैंने इसके लिए 2 जन आदमी की जरूरत होता है, 2 बंदा का जरूरत होता हाँ, है, एक इसको दबाए रहा हो और एक जन उधर धान डालेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी हिसाब से मैंने अपने दिमाग लगाया, और इसमें अभी मोटा वाला रबड़ लगा दिया हूँ, और उसी में जो छोटा सा कपड़ा इसमें बंधा हुआ है, इसको मैं अच्छा यहाँ डाल देता हूँ छेदा में अच्छा इस अच्छा तरीके से, और यहाँ जो कम बेसी करने के लिए सिस्टम है, अच्छा और अच्छा उसी हिसाब से इधर भी ओपन करना पड़ता है। उसके बाद अच्छा यहाँ अच्छा टाइट कर दीजिए, जब चावल जैसा अभी धम धम निकल रहा है, जी तो उसको थोड़ा सा, आप इसको थोड़ा सा और थोड़ा सा डाउन कर दीजिएगा, इसको अच्छा और थोड़ा डाउन कर दीजिएगा, मैंने दब जाएगा अच्छा ये बेल्ट, अच्छा थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। और जैसे उसका मशीन को भी इस तरीके से अगर यहाँ ज्यादा ओपन करेंगे और यहाँ ज्यादा दबाएंगे होने से, तो मशीन अपने आप बंद हो हाँ जाएगा, ज्यादा ऑटोमेटिक, लोड हो हाँ जाएगा। ऑटोमेटिक तो उसके इंजन मतलब हिसाब बंद से हो जाएगा। यहाँ एक अंगुली से इधर करना होगा, और यहाँ भी उसी हिसाब से यहाँ भी रखना होगा, कम अच्छा बेसी अच्छा रखना होगा। अच्छा आप अच्छा देखेंगे यहाँ चावल निकल रहा है या तो दान निकल रहा है, अच्छा तो अच्छा इसी हिसाब से करेंगे, और यहाँ कर देंगे, यहाँ अपने आप निकल जाएगा, अच्छा अच्छा और कुछ करने की जरूरत और नहीं कोई है? जरूरत नहीं है। जैसे बीच बीच में आप देखिए कि मन मशीन का जो आवाज अपने आप आता है, जैसे अब ज्यादा लोड होने से है कि यहाँ का जो चावल अगर फंसने जैसे रहेगा, तो अपने आप इंजन भी बंद हो सकता है। तो इसके अनुसार से इसको एक तो मैंने काम करना होगा, अच्छा थोड़ा अच्छा सा काम करना होगा, इसको तो यहीं रहने दीजिए, नहीं तो जी नीचे से जी हाथ डाल के, नहीं तो वही बेल्ट को थोड़ा सा ऊपर उठाना पड़ेगा थोड़ा ना। हल्का उठाना होगा, अच्छा ताकि अच्छा मैंने जो चावल फंस रहा है वो क्लियर होगा, क्लियर से अच्छा निकलेगा। हाँ, एक चीज मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जैसे कि आपने ऑटोमेटिक के लिए बनाया, ये चीज थोड़ा सा हाँ, निकाल करके बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, ये जो हमारे वाला, व्यूअर लोग को जो ये थोड़ा सा वाला, आइडिया हो जाएगा कि ये किस तो तरह एक से इसको। कपड़ा का है। अच्छा, कोई भी नॉर्मल कपड़ा से हाँ, उसको कोई भी तैयार किया नॉर्मल जा कपड़ा सकता से है ना। उसको रस्सी से बंध दीजिएगा, चाहे इसमें लगा दीजिए बस अच्छा इसमें, अच्छा यहाँ से और जितना लोड देंगे उस हिसाब से यहाँ पर हाँ भी खोलना इसको होगा। मतलब अटका देना है ना। हाँ बस, अच्छा, हाँ ये हो गया आपका ऑटोमेटिक, आपके हिसाब से ये बेस्ट नहीं, है। कपड़ा डालने से क्या होता है कि मैंने अगर जैसे चावल इसमें फंस रहा है, तो उसको नीचे से इधर से घुसा के अंगोली ये रबड़ को आप ऊपर कर सकते हैं। तो ऊपर अच्छा करने से अच्छा क्या होता है कि जो चावल फंस रहा है वो मैंने उधर निकल जाएगा है ना, आसान से निकल आसानी सकता है, से तो निकल उधर का जो सकते। इंजन का जो लोड वो कम होता है, अच्छा अच्छा नहीं तो चलिए। पता चल जाता है। तो जैसे ज्यादा धुंधिया देगा, हाँ धुंधिया हाँ
साइलेंसर से ज़्यादा मतलब धुआं देने लगता है माना, होने ना। से मतलब इंजन का ज़्यादा लोड पड़ेगा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका ये जो आइडिया बताने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ जो अपना व्यूअर डिमांड कर रहे थे ऑटोमेटिक सिस्टम है ना, तो शायद आप लोग को समझ में आ गया दोस्तों। और जो आप लोग के पास में कोई कन्फ्यूजन है, कमेंट है, चाहे तो राय है इसको ले करके, ये ऑटोमेटिक सिस्टम को ले करके, तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपका पूरा मशीन का ओवरव्यू, ये 10 स्पीड डीजल इंजन है दोस्तों, और वाटर कनेक्शन के लिए उधर वो ड्राम से किया गया है, ठीक है। और बाकी तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो आज अकेले ही से कम हो जाता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वाला वीडियो।